Hello, my name is Burhanuddin and welcome to aeoid portal learning hub. हम मैथ 4 के ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे थे. अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें है अप्रोक्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू, ट्रंकेशन, राउंड ऑफ, ऐसी वैल्यूज के बारे में हमने पढ़ा. अब बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली कंप्यूटर ब्रांच के लिए, जो है टाइप्स ऑफ एरर. ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कि टाइप्स ऑफ एरर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होती है जिसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है. उसमें से पहली है इनहेरेंट एरर. तो इनहेरेंट एरर हम उसे कहेंगे, ऐसी एरर जो पहले से ही एग्जाम्पल में होगी उसे हम इनहेरेंट एरर कहेंगे. मतलब ऐसी एरर जो एग्जाम्पल में पहले से ही मौजूद है उसे हम कहेंगे इनहेरेंट एरर. इसमें सेकंड है ट्रंकेशन एरर. तो ट्रंकेशन एरर हम उसे कहेंगे कि जो एरर ट्रंकेशन करने के बाद एग्जाम्पल में आएगी उसे हम बोलेंगे ट्रंकेशन एरर. इसमें थर्ड है राउंडिंग एरर. तो जो एरर राउंडिंग करने के बाद आएगी उसे हम कहेंगे राउंडिंग एरर. अब इसमें जो फोर्थ टाइप की एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर. तो जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पढ़ी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो वो. वैसे ही एब्सोल्यूट एरर जो है उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, जो है मोड एक्चुअल वैल्यू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ये एक फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का, कि मोड में एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू. इसके बाद है रिलेटिव एरर. उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि पहले तो जैसा हमने एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देखा था कि एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रिलेटिव एरर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें डिवाइड में आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू. तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये हो गया कि एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू. इसके बाद जो सिक्स टाइप है एरर का वो है परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला है कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला है परसेंटेज एरर का, कि जो भी रिलेटिव एरर आएगी अगर उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी परसेंटेज एरर. तो ये थी सिक्स टाइप्स ऑफ एरर जीटीयू में. ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जीटीयू के लिए कि राइट टाइप्स ऑफ एरर. ये 3 मार्क्स में आ सकता है कि डिफाइन टाइप्स ऑफ एरर, 6 टाइप्स एरर की उसको डिफाइन करो. तो अब हम देखेंगे इसका एक एक एग्जांपल. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमें ये बोला है कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ऑफ 2.1437 आफ्टर ट्रंकेशन अप टू 2 डेसिमल. तो इस एग्जांपल में मैं ये बोला है, ये वैल्यू एक दी गई है. अब ये जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है. ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो कि है 2.1437. अब हमें ये कहा है कि इसका ट्रंकेशन करना है हमें. ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसका ट्रंकेशन करना है अप टू 2 डेसिमल. तो अगर हम इसका ट्रंकेशन करेंगे, ट्रंकेशन मतलब इसके जितने भी नंबर बोला हो डेसिमल, जो भी डेसिमल तक बोला हो उसके बाद की सारी वैल्यू को हम इरेज कर देंगे. तो यहां पे मैं बोला है 2 डेसिमल तक. तो हमारी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, अप्रोक्स वैल्यू, वो होगी 2.14. तो ये हो गई हमारी अप्रोक्स वैल्यू और एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं इसकी
एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू मोड में। तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.1437 और अप्रोक्स वैल्यू है 2.14। अगर हम इसे कैलसी में सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा मोड के अंदर 0.0037। तो हमारा आंसर हो गया 0.0037। तो ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू। अब जो चीज हमें फाइंड करनी है वो है रिलेटिव एरर आर ई। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो इस एग्जांपल में आगे हमने एब्सोल्यूट एरर का निकाली थी, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जो हमें मिली थी 0.0037 मोड के अंदर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू हमारी है 2.1437। तो कैल्सियम हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 0.0018। तो ये हो गए हमारी रिलेटिव एरर। अब जो तीसरी चीज हमें फाइंड करने के लिए कहा है वो है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारी जो रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। हमने रिलेटिव एरर जो है निकाली है वो है 0.0018, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो हमारी परसेंटेज एरर जो है वो हो जाएगी 0.18%। ये हो गए हमारी परसेंटेज एरर। तो ये इस टाइप के सम जीटीयू में आ सकते हैं 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में भी। ऐसा बोल सकते हैं कि डिफाइन टाइप्स ऑफ एरर एंड सॉल्व दिस एग्जांपल। तो पहले एक्चुअल वैल्यू जो हमारी दी हुई थी, फिर ट्रंकेशन करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली उसको हमने लिखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड की, फिर रिलेटिव एरर फाइंड की और लास्ट में परसेंटेज एरर फाइंड की। तो इसी टाइप के एग्जांपल 3-4 मार्क्स में जीटीयू में आ सकते हैं। और तो आप इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन।